गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। आज हम सब बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इससे पहले के वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। यहाँ प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। इस चैप्टर में मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 में और भी वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप उन वीडियोस के सीरीज को पहले देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम सब बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? तो ये एक कॉम्बिनेशन है, ये एक अरेंजमेंट है फोर रेजिस्टेंस का, है ना। यहाँ चार रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस कनेक्टेड है एक ब्रिज के सेंस में, है ना। चार रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस में से एक है अननोन, एक है वेरिएबल और दो हैं स्टैंडर्ड। यहाँ आपको अननोन जो लिया गया है, एस लिया गया है, कहीं भी आप इसको सेट कर सकते थे। अननोन रेजिस्टेंस को आप कहीं भी सेट कर सकते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको रियोस्टेट कहते हैं वो आपका आर है। आर क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, वो आपका रियोस्टेट है, ठीक है ना, ये रियोस्टेट है। और पी एंड क्यू क्या है? स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है। तो यहाँ आपको सबसे पहले बताया जा रहा है ये सब क्या क्या है। उससे पहले हम सब डिफाइन करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रजिस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज, ठीक है। इसका यूज क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू कैलकुलेट एनी अननोन रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ अदर थ्री, कोई भी अननोन। जैसे यहां एस अननोन है, एस निकालना है पी क्यू और आर के टर्म में। अननोन रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ अदर थ्री। इसमें हम सबको लिखना है कंस्ट्रक्शन के बारे में, फिर हम सब देखेंगे इसका वर्किंग क्या है। तो सबसे पहले हम सब देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में ए और सी के बीच में एक सेल दिया गया है जिसका ईएमएफ है ई, है ना, जिसका ईएमएफ है ई। अ सेल इज कनेक्टेड between A and C. A and C having EMF. EMF क्या होता है? पिछले वीडियो में आपको बताया गया है EMF E. उसके अलावा क्या है? हम सबके पास है चार रजिस्टर, है ना, four resistors having resistances P, Q, R and S are connected in the form of bridge. इन पी क्यू आर एस में से क्या क्या है? पी एंड क्यू क्या है? स्टैंडर्ड रजिस्टर।
स्टैंडर्ड रजिस्टर या रजिस्टेंस, है ना। स्टैंडर्ड रजिस्टर या रजिस्टेंस वो होते हैं जिनका वैल्यू फिक्स होता है। इसके लिए हम सब रेजिस्टेंस के लिए क्या क्या ले सकते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के लिए कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नीन से बने वायर भी ले सकते हैं, या फिर आप कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू का रेजिस्टेंस ले सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस फिक्स्ड हो। और स्टैंडर्ड कहने का मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़े तो रेजिस्टेंस का अपना वैल्यू ना बढ़े, क्योंकि रेजिस्टेंस का अगर अपना वैल्यू बढ़ेगा तो इस सर्किट को अनबैलेंस कर देगा, है ना। यहां पी क्यू पता चल गया, आर एस क्या है, तो आर है, यहां R आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और वेरिएबल रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है, रियोस्टेट, रियोस्टेट प्रोवाइड करता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। और S है अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, हुज वैल्यू is to be calculated, जिसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहां बी डी के बीच में गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, और गैल्वेनोमीटर ये कंस्ट्रक्शन सेक्शन चल रहा है, और गैल्वेनोमीटर जी इज कनेक्टेड Between B and D, with a key K, ठीक है। टैपिंग की यहां की K है, नाम आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, है ना। इसके हेल्प से यहां पर करंट को या तो आप ऑन कर सकते हैं, सर्किट को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो ये कनेक्ट एक की के हेल्प से, की के साथ ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। यहां आपको सभी पोर्शन के बारे में बता दिया गया है, है ना। अब यहां आपको ये ध्यान रखना है, यहां आपको वर्किंग देखना है। वर्किंग देखने से पहले आपको यहां करंट को देखना है। जैसे ये करंट यहां चलेगा आई, तो यहां तक आई ही रहेगा, और यहां जंक्शन होने के कारण मान लीजिए यहां करंट डिवाइड होके I1 हो गया और यहां I2 हो गया, ठीक है। I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अब यहां I2 जो जाएगा, I2 में से कुछ पार्ट गैल्वेनोमीटर में चला जाएगा जब सर्किट को क्लोज करेंगे, है ना। कुछ पार्ट गैल्वेनोमीटर में चला जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा I2 माइनस IG। इधर से I2 जा रहा था और I2 में से IG तो इधर खपत हो चुका है, IG यहां यूज हो चुका है, तो इस टर्मिनल में कितना बनेगा, I2 माइनस IG, I2 माइनस IG, है ना। और इधर क्या होगा, ये I1 है और इधर से आ रहा है IG, इधर से आ रहा है IG, IG और I1 क्या हो जाएगा, I1 प्लस IG। अब यहां ये और ये मिलेंगे तो फिर से I बनेंगे, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, I2 माइनस IG प्लस I1 प्लस IG, आप कैलकुलेट करेंगे I ही निकलेगा। तो इसको हम सब देखेंगे आपके वर्किंग वाले सेक्शन में। वर्किंग में आपको क्या करना है, वर्किंग में सर्किट को क्लोज करना है विद द हेल्प ऑफ की, विद द हेल्प ऑफ की वी क्लोज द सर्किट। सो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर विल डिफ्लेक्ट, विल शो द डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शो द डिफ्लेक्शन। तो यहां हम सबको वर्किंग देखना है। वर्किंग, व्हेन की इज क्लोज्ड, जब ये की को क्लोज किया जाएगा तो क्या होगा, ये करंट फ्लो करेगा। ओपन रहेगा तो इस पर करंट नहीं होगा, जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे तो इस पर एक आईजी करंट फ्लो करेगा। क्लोज्ड अ करंट आईजी फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर एंड इट shows डिफ्लेक्शन, और ये हम सबको डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। कौन डिफ्लेक्शन देगा, गैल्वेनोमीटर, या तो लेफ्ट या तो राइट, जैसा करेंट का डायरेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग। अब आपको क्या करना है, आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस यहां रियोस्टेट लगा हुआ है, उसके हेल्प से क्या करना है,
सर्किट क्लोज ही रहेगा, ठीक है। यहां पर इसको एडजस्ट करना है स्लाइड करके, है ना, ये स्लाइड यहां प्रोवाइड किया जाता है, स्लाइड करके इसको ऐसा एडजस्ट करना है कि गैल्वेनोमीटर का वैल्यू जीरो पर सेट हो जाए, यानी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देना बंद कर दे, तब उस कंडीशन को कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है ना। सो विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट रियोस्टेट आर एडजस्ट द वैल्यू ऑफ करेंट, क्योंकि ये करंट को कंट्रोल करता है, रियोस्टेट क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है, ये रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है, जिसके कारण करंट कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, वैल्यू ऑफ करंट एंड सेट अ वैल्यू सच दैट गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन, ठीक है, ऐसा सेट कर देना है कि ये आपको गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना दे। कहां से सेट करना है, यहां से, जैसे आप सर्किट को क्लोज करते हैं गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देने लगता है, यहां पर रियोस्टेट है उसके हेल्प से आपको क्या करना है, आपको करना है ऐसा वैल्यू पे सेट कर देना है जहां पर क्या हो जाए, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देना बंद हो जाए। तो गैल्वेनोमीटर जहां पर डिफ्लेक्शन देना बंद कर दे उसको बोलेंगे बैलेंस कंडीशन, है ना, बैलेंस। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस बोलेगा, है ना। तो बैलेंस का एक कंडीशन होता है, उसको लिखना है और उसको प्रूव भी करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होगा, जब गैल्वेनोमीटर से कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अ बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज विच इज व्हीटस्टोन ब्रिज इज अचीव्ड, है ना, कब, when galvanometer shows no any deflection। और ये कहां से मिला, ये मिलेगा रियोस्टेट को एडजस्ट करने से। सो इसको नल पोजीशन भी कहते हैं, है ना, नल पोजीशन भी कहते हैं। तो इस केस में एक इक्वेशन हम सबको मिलता है, वो क्या है, पी बाय क्यू आर बाय एस। मतलब यहां आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहां सिर्फ नाम दिया गया है पी क्यू आर एस, यहां आप कोई भी नाम दे सकते थे। तो आपको याद रखना था ये बाय ये इज इक्वल्स टू ये बाय ये, ठीक है ना। सो पी बाय क्यू इज इक्वल्स टू आर बाय एस, ठीक है। और यहां से हम सब एस निकाल सकते हैं, अगर S निकालना हो तब क्या करेंगे, S निकालना हो तो ये हो जाएगा Q by P into R, ये S लिख सकते थे हम लोग, है ना, Q by P और R, तो S निकाल सकते थे इन टर्म्स ऑफ थ्री अदर। अगर हम सबको Q, P और R का वैल्यू मालूम हो तो S निकालेंगे। देखिए Q, P, Q क्या है, स्टैंडर्ड है, उसका वैल्यू आपको पहले से मालूम होगा, P, Q का वैल्यू पहले से मालूम होगा, ठीक है, PQ का वैल्यू मालूम होगा आपको, यहां से एडजस्ट करेंगे तो यहां से अभी आपको कि R का वैल्यू मालूम चल जाएगा, और R का वैल्यू मालूम चलेगा मालूम तो S भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी रिलेशन को हम सबको प्रूव करना है, इसी रिलेशन को प्रूव करना है यहां। तो प्रूव कैसे करेंगे, यहां आपको करंट दिखाया गया है, करंट को पहले भी समझा दिया गया है कि करंट I जब चलेगा तो इस सेक्शन में मान लिया गया I1 चला गया, इस सेक्शन में I2, अब जैसे यहां I2 जाएगा तो कुछ इस सेक्शन में IG चला जाएगा, और इस सेक्शन में क्या बचेगा, I2 माइनस IG, ठीक है, IG तो यहां यूज हो गया, और इधर से IG ट्रैवल कर रहा है और इधर से I1, तो यहां मिलके क्या हो जाएगा, ये दोनों अंदर आ रहे हैं तो बाहर क्या हो जाएगा, I1 प्लस IG, दोनों का एडिशन।
अब इनको आप ऐड कीजिएगा तो आपको आई ही मिलेगा। आप इसको ऐड करके देख सकते हैं, ये आपको क्या है आई टू माइनस आई जी। आप ऐड करके देखें, आई टू माइनस आई जी प्लस आई वन प्लस आई जी, तो ये आई जी कैंसिल हो गया, आपको मिलता है आई वन प्लस आई टू और ये है आपका आई। ठीक है, आई वन प्लस आई टू कहाँ से आया, आई वन प्लस आई टू आया आई से। ठीक है, आई ही तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, आई वन प्लस आई टू, तो ये आपको आई फिर से मिल जाएगा। तो यहाँ हम सबको इसको प्रूव करना है, ये जो पी बाई क्यू आर बाई एस दिया गया है उसको प्रूव करना है। तो यहाँ हम लोग किरचॉफ्स सेकेंड रूल का यूज करेंगे, यूजिंग किरचॉफ्स सेकेंड रूल। सेकेंड रूल कौन सा था, लूप रूल है ना, लूप या वोल्टेज रूल। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम सब एक डायरेक्शन सेट करते थे, हम ये डायरेक्शन सेट किए, ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। तो क्या है, जो जो डायरेक्शन यहां मिलेगा वो पॉजिटिव होगा और नहीं मिला अपोजिट हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको करना है, ये हो गया पहला लूप है ना, पहला लूप कौन कौन सा, ए बी डी ए। ठीक है, फ्रॉम लूप ए बी डी ए, जहां से शुरू करना है वहीं पर खत्म भी करना है, ए बी डी ए। ठीक है, अब यहां पर आपको इक्वेशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को लिखना है आप कहीं से भी लिख सकते हैं, यहां से भी लिख सकते हैं, यहां से भी, यहां से शुरू करना है मान लीजिए। ठीक है, तो I into R के टर्म में लिखा जाता है, करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में, तब तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। तो I R के टर्म में, तो यहां है आपका I to P, ये कौन सा हो जाएगा I to P, डायरेक्शन जो मैच कर जाए, दोनों डायरेक्शन करंट के साथ मैच कर जाए तो वो पॉजिटिव, अगर मैच नहीं करे तो वो नेगेटिव। यहां से चल रहे हैं यहां आए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्लस आई जी इंटू कैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी, जी क्या है रेजिस्टेंस ऑफ कैल्वेनोमीटर, ये भी मैचिंग है, इस डायरेक्शन के साथ मैच किया हुआ है। फिर आप आएंगे, ठीक है, तो यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका नहीं लेंगे क्योंकि आई जी यही वाला आई जी है, तो एक ही बार लेंगे और उसके बाद ऐसे आप ट्रैवल करेंगे, ऐसे जाएंगे तो ये करेंट अपोजिट हो गया, तो यहाँ आप लिख देंगे माइनस, क्या है वो आई वन, आई वन और उसके साथ रेजिस्टेंस आर है, और क्योंकि यहां कोई भी ईएमएफ का सोर्स नहीं है तो आरएचएस जीरो हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन वन, ठीक है, ये इक्वेशन वन हो गया। अब हम सब लेंगे दूसरा, कौन सा लूप, दूसरा लूप जो सेकंड वाला आपको दिख रहा है, बी सी डी बी, बी सी डी बी, यूजिंग बी सी डी बी लूप, यूजिंग बी सी डी बी लूप, Using बी सी डी बी लूप। ठीक है, बी सी डी बी, तो इसमें भी आपको लेना है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, यहां से ले लीजिए मान लीजिए, तो ये डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन और ये मैच कर गया, ऐसे है ऐसे है, तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे I2 टू माइनस आई जी इंटू रजिस्टेंस क्या है Q। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे तो यहां आएंगे, तो यहां आएंगे तो करंट का डायरेक्शन इधर है और ये डायरेक्शन आपका अपोजिट, तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस आई वन प्लस आई जी और उसके साथ रेजिस्टेंस क्या है एस, और इधर जब आएंगे आप तो ये भी डायरेक्शन अपोजिट, तो माइनस, माइनस के लिए नेगेटिव, ठीक है, अपोजिट के लिए नेगेटिव लेते हैं, ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ करंट को देखना है और रेजिस्टेंस को देखना है, सिर्फ दो ही चीज को देखना है, या तो करंट या तो रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है आपका, करंट में डायरेक्शन, तो करंट के डायरेक्शन को देखेंगे साथ में उसके अगल बगल के रेजिस्टेंस को देखेंगे। यहां आई टू के साथ पी रेजिस्टेंस है, आई वन के साथ आर है, आई जी के साथ जी रेजिस्टेंस है, और इस करंट के साथ ये रेजिस्टेंस, और ये जो करंट है आई वन प्लस आई जी उसके साथ एस रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन टू। अब बैलेंस कंडीशन में हम जानते हैं गैल्वेनोमीटर शो नहीं करता है एक भी डिफ्लेक्शन, इन नल नल सिचुएशन और बैलेंस कंडीशन, बैलेंस विट स्टोन ब्रिज, विट स्टोन ब्रिज
क्या होता है, आईजी जीरो हो जाता है, कोई भी गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो करता है, आईजी जीरो हो जाएगा, तब इक्वेशन वन और टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन वन क्या हो जाएगा, आईजी को जीरो कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा आई टू पी, आईजी तो जीरो हो गया, माइनस आई वन पी, आई वन आर इज इक्वल्स टू जीरो। सो ये हो जाएगा आई टू पी इज इक्वल्स टू आई वन आर। सो इसको लिख सकते थे आई टू बाय आई वन आर बाय पी, ये इसको आप लिख सकते थे, या फिर लिख सकते थे इसको आई वन बाय आई टू इज इक्वल्स टू पी बाय आर, इसको उलट के लिख सकते थे आई वन बाय आई टू पी बाय आर। ये इक्वेशन वन का यूज करके, इक्वेशन टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन टू का यूज करके क्या हो जाएगा, आई जी जीरो कर देना है, तो यहां आई जी जीरो हो जाएगा तो आपको मिलेगा आई टू इंटू क्यू, और यहां मिलेगा माइनस आई वन एस, आई वन एस, और यहां आई जी जीरो हो गया तो ये हो गया खत्म। सो आई टू क्यू इज इक्वल्स टू आई वन एस, सो आई टू बाय आई वन मिल गया एस बाय क्यू। इसको आप यूज कर सकते हैं इक्वेशन थ्री की तरह, इसको यूज करेंगे फोर की तरह। अब इक्वेशन थ्री और फोर से आप देख सकते हैं आई टू बाय आई वन, आई टू बाय आई वन, तो आई टू बाय एल एच एस अगर इक्वल हो तो आर एच एस भी इक्वल हो जाता है, तब क्या करेंगे, एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल हो जाएगा, और हमारा ये कंडीशन बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज का कंडीशन पी बाई क्यू आर बाय एस अचीव्ड हो जाएगा यूजिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर। यूजिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर वी हैव, क्या हो जाएगा, एल एच एस इक्वल है आर एच एस भी इक्वल हो जाएगा, सो आर बाय पी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, एस बाय क्यू, एस बाय क्यू। तो इसको हम सबको कैसे लाना था, हम सबके पास कंडीशन वो कौन सा था, वो शुरू वाला इक्वेशन पी बाय क्यू आर बाय एस, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते थे पी बाय क्यू आर बाय एस, आप इसको देखिए लिख सकते थे ना, ठीक है, p बाई क्यू आर बाय एस, पी और s को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये आपको प्रूव हो गया p बाई क्यू आर बाय एस। अब यहां ध्यान रखना है, यहां p q r s के जगह में कुछ भी नाम रहे, x y z कुछ भी, तो आपको याद रखना है ये बाई ये इज इक्वल्स टू ये बाई ये, ठीक है, ये डिवाइड बाई ये इज इक्वल्स टू ये डिवाइड बाई ये, ठीक है, यही इक्वेशन आपको वैलिड होगा, नाम कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव कब होगा, जब सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू लगभग इक्वल हो जाएगा, जब सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर सबसे ज्यादा सेंसिटिव होगा, क्योंकि एक भी वैल्यू अगर चेंज करेगा तो वो तीनों पर असर होगा, सेंसिटिव मतलब छोटे से छोटे वैल्यू को डिटेक्ट कर ले, छोटे से छोटे वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर ले। इसका एक एप्लीकेशन भी है, व्हीटस्टोन ब्रिज का एक एप्लीकेशन भी है, उसको भी हम लोग देखेंगे, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का, है ना। सो मीटर ब्रिज इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसका प्रैक्टिकल भी करना है, एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका प्रैक्टिकल भी क्लास 12 में आप लोगों को करना होता है मीटर ब्रिज का, ठीक है, आप भी ये बना सकते हैं। ये चार रेजिस्टेंस आपको चाहिए, दो स्टैंडर्ड चाहिए, एक अननोन चाहिए, अननोन की जगह में कोई भी वायर यूज कर सकते हैं, एक रियोस्टेट चाहिए, एक गैल्वेनोमीटर चाहिए, एक की चाहिए, एक सेल चाहिए और कनेक्टिंग वायर चाहिए, इन सब का हेल्प से आप क्या बना सकते हैं, आप बना सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। और मीटर ब्रिज अगले वीडियो में हम सब मीटर ब्रिज देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।